हरिओम। पान का पत्र भगवान को अर्पण किया जाता है, मुखवासार्थी ताम्बुलम ऋतुफलानिम समर्पयामि। किंतु पान का पत्ता हम भगवान को अर्पण कैसे करें, कोई विशेष विधि है? तो जानते हैं आज किस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं शास्त्र जी के ब्लॉग के साथ, आज कुछ अच्छा सीख लीजिए, आपके काम आएगा। पान का पत्ता हम भगवान की पूजा में अवश्य अर्पण करते हैं, किंतु ये पान का पत्ता बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से भगवान की मुख शुद्धि हेतु हम इसको अर्पण करते हैं। किंतु इसको चढ़ाने की कुछ विधि है, जिस विधि को हम लोग या तो जानते नहीं है अथवा इग्नोर कर देते हैं। आपने समझना है किस प्रकार से आपने भगवान को ये पान का पत्र अर्पण करना चाहिए। आप देख रहे होंगे ये पान के पत्ते का अग्रभाग है और ये डंठन वाला भाग है। जब भी आप बाजार से पान का पत्ता लेकर आए तो आपने ये साबुत ही लेकर आना चाहिए, ठीक है ना। आपको उसको कहीं से भी कटा फटा सड़ा गला ना हो पहले तो ये चेक कर लीजिएगा। उसके उपरांत जब आप घर में पूजन करने लगे सबसे पहले पान के पत्ते को गंगा जल से धो लेना चाहिए। जब भी आप पान के पत्र को भगवान को चढ़ाने लगे तो शास्त्र का ये प्रमाण अवश्य अपने ध्यान में रखिएगा। शास्त्र कहता है पूर्ण मूले भवेत व्याधि पूर्णाग्रे पाप संभव जीर्ण पत्रम हृत्याहु शिरा बुद्धि विनाशनी। शास्त्र कहता है कि जो पान के पत्र को डंडी के सहित डंठल के सहित चढ़ाता है वहां पर व्याधि अर्थात बीमारियों का वास होता है, और जो अग्रभाग को बिना तोड़े हुए भगवान को अर्पण करता है वहां पर पाप उसकी वृद्धि करते हैं। इसलिए आप सड़ा गला और अग्रभाग और डंठल वाले भाग को भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, ये शास्त्र कहता है। इसलिए जब भी आप पान का पत्र भगवान को अर्पण करेंगे सर्वप्रथम जो ये ऊपर का भाग है आपने इसको तोड़ देना चाहिए, और जो नीचे के डंठल हैं आपने इसको भी तोड़ देनी चाहिए। उसके उपरांत आपने यह पान का पत्र भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऊपर के भाग को भी आप तोड़ दीजिएगा और नीचे के भाग को भी आप तोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से आपने यह पान का पत्र भगवान को अर्पण करना चाहिए, तांबूल लवंग इत्यादि इलायची रखकर। तो यह है भगवान को पान पत्र अर्पण करने की विधि। कैसी लगी आपको ये वीडियो अवश्य बताइएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। आप सभी को मैं अपनी ओर से प्रणाम वंदन करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय बना रहे।